ज्ञानी और प्रेमी में भगवान प्रेमी को ज्यादा मानते हैं, समझिएगा। एक ज्ञानी भक्त और प्रेमी भक्त में तकरार हो गई। ज्ञानी भक्त ने कहा कि मैं बड़ा, और प्रेमी भक्त ने कहा कि मैं बड़ा। अब दोनों में बड़ा कौन है? दोनों पहुंच गए भगवान के पास, तो ज्ञानी भक्त ने भगवान से कहा, प्रभु इस प्रेमी भक्त को बता दो कि मैं बड़ा हूं। भगवान ने कहा, हाँ भैया, ज्ञानी जी सही कह रहे हैं, ये जो ज्ञानी है आत्मन्यो आत्मन्य है, ये ज्ञानी मेरी आत्मा है, ज्ञानी आत्मा है। प्रेमी भक्त बेचारा उदास हो गया। उसने कहा, ठीक है प्रभु, अब ज्ञानी को आपने आत्मा बता दिया तो मुझे तो कोई छोटा ही स्थान मिलेगा, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए आत्मा से बढ़कर के कुछ होता नहीं है। वो प्रेमी भक्त दरबार को छोड़ करके जाने लगा। भगवान ने कहा, अरे तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा, प्रभु अब अपमान कराने से अच्छा है दरबार छोड़ करके चले जाए। ज्ञानी को आपने आत्मा बता दिया तो मुझे तो कोई छोटा ही स्थान मिलेगा। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, पूरी बात तो सुन के जाओ। भक्त ने कहा, सुना दो। भगवान ने कहा, सुनो, ये ज्ञानी मेरी आत्मा है, और अगर ज्ञानी मेरी आत्मा है तो जो मेरा प्रेमी भक्त है वह तो मेरा भी परमात्मा है। मैं भगतन को दास, भगत मेरो मुकुटमड़ी। ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते निर्गुण निराकार, भक्त उस ब्रह्म को साकार कर दिखाते हैं। ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते नजरों से दूर, भक्त उस ब्रह्म के भी बाप बन जाते हैं। तो ये प्रेमियों में ताकत है कि भगवान को बेटा बना लें, भगवान को मित्र बना लें, भगवान को जो चाहे वो रिश्ता भगवान से जोड़ लें। भगवान भक्तों के हित के लिए आते हैं, समझिएगा। ये भक्तों के कारण भगवान आते हैं इस धरती पर। केवल रक्षो बधाई वन केवलम विभो, राक्षसों को मारने के लिए केवल नहीं आते। एक बार की बात बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, तुम्हारे भगवान के पास नौकर चाकर नहीं है क्या? बीरबल ने कहा, क्यों? अकबर ने कहा कि हमने सुना है कि जब भक्तों के ऊपर संकट आता है तो आपके भगवान अवतार लेकर के धरती पे आते हैं। बीरबल ने कहा, तुमने ठीक सुना है। तो अकबर ने कहा, ये बताओ, भक्तों का संकट दूर करने के लिए भगवान को खुद आना पड़ता है? अरे भाई, किसी नौकर को भेज देते, किसी सेवक सिपाही को भेज देते और भक्तों का दुख दूर कोई भी कर देता। हमारे खुदा को देखिए, वो खुद नहीं आते, वो पैगंबर भेजते हैं, संदेश वाहक भेजते हैं। बीरबल ने सोचा, इस व्यक्ति को मैं क्या जवाब दूं? समय बीता, बरसात का मौसम आया। अकबर ने कहा, बीरबल हम नौका विहार करना चाहते हैं, कोई व्यवस्था बनाओ। बीरबल ने कहा, ठीक है। नौका की व्यवस्था की गई। अकबर का पूरा परिवार नौका विहार में जाने के लिए तैयार हो गया, सेवक सिपाही भी तैयार हो गए। अकबर का एक छोटा सा बेटा, उसको दासी ने ले लिया, वह भी नौका विहार में चल पड़ा। बीरबल ने एक उपाय लगाया, वो जो बालक था, असली बालक को घर में रखवा दिया, उस दासी को एक पुतला पकड़ा दिया कि दासी ये पुतला रख लो, और जब मैं इशारा करूंगा तो यही पुतला नदी के पानी में गिरा देना। नैया में सब लोग बैठ गए। अब सबको ये पता था कि अकबर का असली बच्चा है। नैया पे बैठे सब लोग, नौका विहार जब प्रारंभ हुई, थोड़े से पानी में नैया गई, नाव को हिलाया,
और दासी ने वो पुतला नदी में गिरा दिया। और जैसे ही पुतला नदी में गिरा, चिल्लाने लगी दासी, बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया। अब तो अकबर ने न इधर देखा न उधर, तुरंत नदी में छलांग लगा दिया बच्चे को बचाने के लिए। अब जब अकबर कूदे तो सेवक सिपाही भी कूद पड़े, बच्चा को तो बचाना नहीं था, अकबर को बचा के लाए। और जब बचा करके लाए, पानी पी लिए थे, पानी वगैरह निकाला गया। बीरबल ने कहा, जब होश आया कि सरकार ये बताइए क्या आपको तैरना आता है? अकबर ने कहा नहीं। बीरबल ने कहा पागल हो गए हो, तैरना भी नहीं आता और इतने बड़े गहरे पानी में नदी में कूद गए, अगर आपको कुछ हो जाता तो? अकबर ने कहा बीरबल वो बच्चा गिर गया था। बीरबल ने कहा महाराज इतने सेवक थे, इतने सिपाही थे, आप किसी को एक इशारा करते और आपके एक इशारे पर हर सेवक सिपाही कूदने को तैयार था पानी में, फिर भी आपको कूदने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अकबर ने कहा बीरबल वो मेरा बच्चा पानी में गिरा था, जब तक मैं सेवकों से कहता, जब तक मैं नौकरों से कहता, तब तक मेरा बच्चा डूब जाता, उसे कुछ हो जाता तो? बीरबल ने कहा महाराज तुमने ठीक समझा, लेकिन ये समझ लो जितना प्रेम तुम अपने बच्चे से करते हो, हमारा भगवान भी हम सबको बच्चा समझ करके वही प्रेम करते हैं, हमारे परमात्मा भी हम सबको बालक ही समझ करके प्रेम करते हैं।